आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे हनरेबल कॉर्पोरेटर्स साथी और मेरे मीडिया भाइयों, आज फिर हमको यहां पे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि आज शहर के अंदर जिस तरह से कोविड का ये महामारी का प्रकोप बढ़ा है शहर के अंदर और पिछले दिनों में और आज भी, जहां पे बेडों की कमी, ऑक्सीजन की कमी और पिछले दिनों फैसला भी किया था अभी कि जो डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर हैं वो वार्डों के अंदर राउंड करें। इसका मतलब है कि पहले डॉक्टर राउंड नहीं करते थे, तब जाकर के ये फैसला करना पड़ा। कहां सोई हुई थी ये गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफी हमारे जो लोग हैं उनकी जाने गई। मैं कहता हूं कि जो जिम्मेदारी हमारी लोगों की, कॉरपोरेशन जो इलेक्टेड बॉडी है, खासकर हमारे मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब, उन्होंने आज तक एक बार भी मीटिंग नहीं कॉल की कि इस पर कोई विचार किया जाए, इस पर कोई काम किया जाए, इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए। जो जिम्मेदारी थी, आज हमारे असेंबली जहां पे नहीं है, चीफ मिनिस्टर आज हमारी रियासत के अंदर नहीं है और जो मेयर है, जो फादर ऑफ द सिटी, एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी किस्म की भी समस्या अगर शहर के अंदर हो या बाहर हो तो उसके लिए भी हमको कोई तरीकाकार ऐसा तैयार करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। तो मैं कहता हूं कि इनको इसके लिए जो जिम्मेदार हैं और जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती थी, आज ये दावे खोखले हो चुके हैं क्योंकि इनके पास हॉस्पिटलों में कोई बंदोबस्त नहीं तरीके से किया गया। ऑक्सीजन की ना होने की वजह से हमारे हॉस्पिटलों में लोगों की जाने गई पिछले दिनों। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वो जो शुरू हुए हैं सेंटर, वो भी मात्र 3-4 सेंटर बनाए गए हैं, वो हर एक वार्ड में सेंटर नहीं बना है और जो वो लिस्ट आई है उसमें काफी वार्ड जो हैं उनको मेंशन वहां पे नहीं किया गया। हम जब कहना चाहेंगे कि जब जो वैक्सीनेशन है, जो डोर टू डोर शुरू की जाए, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जब किसी घर में जाए और उनमें जो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके घर में सबको ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इस किस्म का प्रावधान हमें बनाना चाहिए। आज हमारे मेयर साहब, मैं देखता हूं हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये इनका कोई प्रोटोकॉल है, क्योंकि आज मिनिस्टर की तो प्रोटोकॉल इनको दिया हुआ है, लेकिन जो एक्स मिनिस्टर हैं वो अगुवाई कर रहे हैं और ये जो पीछे पीछे जा रहे हैं इनके। मैं कहता हूं कि इनको फ्रंट लाइन में रहना चाहिए और जो कॉरपोरेटर है उनको साथ एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि हॉस्पिटल के अंदर जो भी व्यवस्था ठीक नहीं है वो देखी जाए। इसलिए जे इनका फेर चाहिए कॉरपोरेशन से, ताकि जो कॉरपोरेशन है तो दूसरे के हाथों में आए और कॉरपोरेशन से तरीके से जहां पे चले। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी जीरो, आजकल कोई काम नहीं कर रहा। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बीजेपी के एमएलसी है, तो ये मैं कहता हूं कि लोगों के सारी जिम्मेदारी आए तो होती है, चाहे वो कॉरपोरेशन है चाहे बाहर है। तो इसलिए आज हमारा यही है, तो डेवलपमेंट रुकी हुई है, वैक्सीनेशन टाइम की नहीं लग रही है, लोग परेशान हैं, कोविड जो बीमार हो रहा है वो अपनी जिंदगी से डर रहा है, पता नहीं प्रॉपर इलाज हमारा होगा या नहीं होगा।